हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिफ्थ क्वेश्चन का 10th पार्ट करेंगे और इसमें जो है 1 + tan² थीटा अपॉन में 1 + cot² थीटा को जो है 1 - tan अपॉन में 1 - cot a² होल स्क्वायर को जो है 10² a के इक्वल प्रूव करेंगे। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को, यानी कि 1 + में 10² a अपॉन में 1 + cot² a को 10² a के इक्वल प्रूव करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें हमने 1 + tan² a को पहले एज इट इज़ लिख दिया और डिनोमिनेटर में यानी कि हर में जो कॉट था उसे 1 अपॉन में 10 करके लिख दिया, यानी कि cot² a को 1 अपॉन में 10² a लिख दिया। तो अब नीचे जो है 10² a जो है हमारा एलसीएम आ गया, और 10² a एलसीएम आने के बाद ऊपर जो है इसके आ गया 10² a + k 1। तो अब देखिए आपको क्या करना है कि नीचे जो है 10² a + 1 अपॉन में 10² a जो है जो 1 + tan² a को डिवाइड कर रहा है उसको उल्टा कर देंगे तो वो जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि गुणा में हो जाएगा। यानी कि उल्टा करने का मतलब है 10² a को ऊपर ले लेंगे और 10² a + 1 को जो है हम नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे। तो अब देखिए 1 + tan² a से 1 + tan² a कट गया, तो बचा क्या 10² a, यानी कि तीसरे वाला आ गया। अब हम जो है दूसरा पार्ट जो है इसका 1 - tan a अपॉन में 1 - cot a का होल स्क्वायर लेते हैं और इसको भी पहले की भांति जो है 10² a के बराबर प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में तो 1 - tan a है, तो नीचे जो है 1 - cot a है, तो उस cot a को जो है हम 10 a में बदल देंगे। तो बाकी कुछ नहीं करना है हमारे को, सिर्फ cot a को 10 a में बदल देना है। तो यहाँ cot की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन में 10 a, तो इसको जो है स्क्वायर करके इस तरह लिख दिया। इसी क्वेश्चन को है जो है 10 थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल के भी किया जा सकता है, उसकी आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखिए 1 - 1 अपॉन 10 a में से 10 a एलसीएम आ गया, तो ऊपर बचा 10 a - 1 और ये जो है होल स्क्वायर जो है हमने पूरे का लगा दिया। अब देखिए जो 1 - 1 अपॉन 10 a को जो है 10 a - 1 अपॉन में 10 a डिवाइड कर रहा है, तो इसे हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 10 a को ऊपर लेके 10 a - 1 को नीचे ले लेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आप देखिए 1 - 1 अपॉन 10 a जो है वो 10 a - 1 से ओपोजिट साइन का है, इसलिए जब ये इससे कटेगा तो माइनस का 1 जो है हमारे पास वो मिलेगा। तो इस तरह से ब्रैकेट में -1 × 2 में 10 a होने की वजह से माइनस का 10 a हो गया और उसका स्क्वायर हो गया। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर होता है, तो माइनस के 10 a क्या हो गया, 10² a, जो कि थर्ड के इक्वल है। तो इस तरह से क्योंकि पहले वाला भाग भी थर्ड के बराबर था और दूसरे वाला भी थर्ड के बराबर है, यानी कि 10² a का है, इसका मतलब जो है तीनों आपस में बराबर हैं, यानी कि 1 + tan² a अपॉन में 1 + cot² a जो है वो 1 - tan a अपॉन में 1 - cot a के होल स्क्वायर के ये जो है इक्वल है, और ये जो है 1 - tan a अपॉन में 1 - cot a का होल स्क्वायर जो है वो भी 10² a के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको पसंद आए तो आप मेरे इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल द मैथ गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।